तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो गाइज, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बाबरी मस्जिद के बारे में, और पूरा इतिहास आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस 6 दिसंबर 1992 वो एक ऐसा दिन था जो जितने भी भारतवासी हैं वो कभी नहीं भूल सकते हैं। तो मैं आपको फिर से इस वीडियो में आपको रिमाइंड कर देता हूँ, तरोताज़ा कर देता हूँ 6 दिसंबर 2023 जो आज है गाइस, इस वीडियो में जो आप लोग देख रहे हैं, आज ब्लैक डे के नाम से मशहूर है ये दिन। आप लोग मेरे ख्याल से भूल गए होंगे बाबरी मस्जिद, तो आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ बाबरी मस्जिद का इतिहास। तो आप लोग वॉच करिए। जो बंदे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमें मोटिवेट मिलता है गाइस इससे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, वॉच करिए, बहुत मज़ा आने वाला, बहुत बहुत मज़ा आने वाला, आप लोग देखिए। तो गाइस, आप लोग लास्ट में प्लीज़ कमेंट करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाबरी मस्जिद 1528 से 1992 तक उत्तर प्रदेश के तत्कालीन फैज़ाबाद ज़िले में अयोध्या में मौजूद थी। ये भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के 2 साल बाद मीर बाकी द्वारा बनाई गई थी। जब बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया था, यानी आज के दिन 6 दिसंबर को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद गिरा दी। बाबरी मस्जिद कैसे तोड़ी गई? 6 दिसंबर 1992 को बीहिप और भाजपा ने उस स्थान पर एक रैली आयोजित की जिसमें 1.5 लाख लोग शामिल हुए थे। रैली हिंसक हो गई और भीड़ सुरक्षा बलों पर हावी हो गई और मस्जिद को तोड़ दिया। वो कौन शख्स था जो सबसे पहले बाबरी मस्जिद को हथौड़ा से तोड़ा? सुनिए, बलबीर सिंह थे जो बाबरी मस्जिद को सबसे पहले हथौड़ा से तोड़ा, ठीक है। बाबरी मस्जिद पर ताला जवाहर लाल नेहरू सरकार के 1949 में लगाया गया था। बाबरी मस्जिद को ज़मीन कितनी है बता दूँ? बाबरी मस्जिद को ज़मीन 5 एकड़ है, जो सरकार ने अब कहीं और दे दी, वहां से हटा के कहीं और दे दी मुस्लिम कमेटी को, ठीक है। तो गाइज, इस ब्लॉग में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो गाइज, आज का दिन एक ब्लैक डे के नाम से मशहूर है। आप लोग कमेंट में लिख दें बाबरी मस्जिद, बस मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग एक सच्चे भारतीय हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे नया दिन नया सफ़र और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।